वैसे तो लड़की की इस बिहेवियर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वो प्यार तो करती है लेकिन देती नहीं है। वैसे बहुत सारे लड़के नहीं जानते हैं कि लड़की के हाँ कहने के बाद उसके आगे क्या करना चाहिए, इस खेल को आगे कैसे लेकर जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लड़के अनजाने में सही गेम खेल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते और वो अपने लाइफ की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड को खो देते हैं। देखो, जब तुम लड़की को पाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हो, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम उसकी नज़र में बाकी लड़कों जैसे ही हो। लेकिन जब लड़की ने तुम्हें हाँ बोल दिया है, तुम्हें पसंद करने लगी है, इसका मतलब है वो तुम्हें दूसरे लड़कों से अलग मानती है। तुम अब कॉम्पिटिशन में नहीं हो, तुम कॉम्पिटिशन जीत चुके हो। लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है, अब तुम उसे इम्प्रेस करना बंद करो, अब तुम अपना नेचुरल बिहेवियर शो कर सकते हो, अब अपनी कमियों से घबराओ मत। दरअसल लड़कियां शुरुआत में प्यार तुम्हारी खासियत से करती है, लेकिन बाद में प्यार तुम्हारी कमियों को दूर करने की कोशिश में और गहरा हो जाता है। लड़की अब तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारी कमियों को अपना मानती है, लेकिन ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अभी वैसे ही इम्प्रेस करने में लगे हैं जैसे वो पहले थे। यार, तुम ही गेम को आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो लड़की क्यों बढ़ाएगी। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के हाँ कहते ही एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। लड़की के हाँ बोलते ही समझते हैं मिशन कम्प्लीट। दरअसल हमें इतना ही पता होता है कि लड़की को प्रपोज कैसे करें, लड़की ना कहने पर क्या करें, लड़की को इम्प्रेस कैसे करें। हम ये नहीं जानते कि लड़की के हाँ कहने पर क्या करना चाहिए, अपने रिलेशन को और मज़ेदार कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे रिलैक्स हो जाने पर लड़की समझती है ये मुझसे पहले ऐसा प्यार नहीं करता, सो तुम्हारे साथ भी वो ऐसा बिहेव करती है कि तुमने मिशन नहीं जीता है, तुमने मिशन कम्प्लीट नहीं किया है, अब तुम्हें मुझे फिर से पाने के लिए लड़ना होगा। देखो, ना तो तुम्हें रिलैक्स होना है और ना बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ना है, तुम्हें नेचुरल रहना है। बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, वो मैसेज में या कॉल में लड़की को प्रपोज करते हैं, लड़की हाँ भी बोल देती है, लेकिन लड़का जब मिलने बुलाता है तब लड़की इनकार कर देती है। देखो, तुमने ही लड़की से बातों वाला प्यार किया है, अब लड़की तुमसे बातें ही करेगी, उसे तुमसे बात करने की आदत है, उसे यही अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें अपने पास रोक कर रखने के लिए उसने हाँ कर दिया है। तुम्हारा पर यही तक रहेगा, सिर्फ बातें ही होगी, बातों बातों में तकरार होगी और ब्रेकअप। देखो, लड़की को प्रपोज करने से पहले उसे बहुत बार मिल लो, या उस लड़की को प्रपोज करो जो तुमसे रोज़ मिलती हो। बहुत सारे लड़के कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे मुंह फुलाए बैठे होते हैं जैसे लड़की ने हाँ बोलकर कोई गलती की हो। लड़कियों की शिकायत होती है, ये तो फट्टू है, इसे तो प्यार करना ही नहीं आता। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ना चाहिए, उसके नज़रों से नज़र मिलाकर प्यार भरी बातें करना चाहिए, उसे नज़रों में कैद करके उसे चूमना चाहिए। लड़की शायद पहले इस चीज़ के लिए इनकार करे, लेकिन तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। उसकी नाराज़गी से क्यों घबराते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुमसे प्यार करती है। लड़कियां तुम्हें हाँ बोलकर देखती है, तुम उसे सच्चा प्यार करते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, कहीं तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद तुम उसे छोड़ तो नहीं दोगे, तो वो तुम्हें तरसाती और तड़पाती है, इसलिए वो तुम्हें पहले हाँ करती है फिर तुम्हें ना कर देती है और तुम्हारा बिहेवियर चेक करती है। बहुत सारी सिचुएशन में सही जगह नहीं मिल पाता, इसलिए लड़कियां खुलकर सामने नहीं आ पाती। तुम्हें ऐसा सिचुएशन बनाना पड़ेगा, तुम्हें उसे ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो और वो खुलकर तुम्हारे सामने आ सके। कुछ लड़कियां होती ही ऐसी हैं, तुम्हें कुछ नहीं देती, वो सिर्फ बातें करके तुम्हारा टाइम पास करती है। कुछ होती है ऐसी लड़कियां जो सबको हाँ बोलकर देखती हैं, लेकिन वो प्यार किसी एक लड़के से ही करती है। देखो, लड़कियां किसी भी नई चीज़ के मामले में ना ही करती है, इनकार करती है, फिर वो उस बारे में सोचती है, अच्छी तरह जानकर समझकर वो किसी नतीजे पर पहुंचती है। सो इस मामले में लड़की को थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक कैलकुलेशन है, मान लो तुम लड़की को 3 महीने से जानते हो, उसने तुम्हें हाँ कहने के लिए 3 महीने लगाया है, तो अगले 1 महीने में तुम्हारे भी सब कुछ होना चाहिए। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, तुम्हें इससे पहले भी सब कुछ मिल सकता है। देखो, मैं क्या करता हूँ, लड़की को प्रपोज करने से पहले उसे मिलने बुलाता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ, उसे भरोसा दिलाता हूँ। 2-4 मुलाकातों में सिचुएशन इतना फ्रेंडली बन जाता है कि लड़की मेरे साथ खुश होती है और इंजॉय करती है। ज़रूरत पड़े तो मैं प्रपोज भी कर देता हूँ।